खरगोन जिले के सेगांव में शासन की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में पिछले 15 दिनों डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। वह काम काज छोड़कर खाद के लिए संस्था के चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते किसानों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि आदिम जाति संस्था में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाजार में अधिक दामों पर खाद उपलब्ध है, लेकिन संस्था से खाद नहीं मिलने पर उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक ओम राठौर ने बताया कि करीब 15 दिनों के पहले 1000 बोरी खाद की डिमांड भेज दी है। जैसे डीएपी खाद आता है, किसानों को वितरित किया जाएगा। सोसाइटी में यहाँ के क्षेत्र की 5 सोसाइटी है, मतलब सेवा ब्रांच के अंदर 5 सोसाइटी कार्यशील है। उसमें सभी दूर जानकारी निकालने के बाद में कोई भी डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जबकि चूँकि यहाँ मिट्टी का रकबा बड़ा है, इसलिए बारिश की वजह से किसानों को डीएपी खाद की सख्त से सख्त आवश्यकता है। शासन इस पर तत्काल ध्यान दे रहे हैं, और तो बाजार में खाद उपलब्ध हो रहता है प्रायोरिटीकरण होने के कारण, जबकि संस्थाओं को 20% ही माल मिल रहा है और बाजार में 80% खाद उपलब्ध हो रहा है। ऐसा शासन को अवगत कराते हैं कि सोसाइटियों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए, किसान परेशान नहीं हो। क्या नाम लिखता राजेंद्र सिंह बोले, अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।